कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से फिर से शुरू हुई। 2 दिन के आराम के बाद रविवार को यात्रा दोबारा से शुरू हो गई। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी के साथ एक SUV गाड़ी में बैठकर राहुल गांधी जलपाईगुड़ी शहर से गुजरे और उन्होंने लोगों की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। दोपहर को जलपाईगुड़ी से शुरू हुई यात्रा शाम को सिलीगुड़ी पहुंची। इस दौरान रास्ते में भारी हुजूम देखने को मिला। सिलीगुड़ी में यात्रा के दौरान का एक बेहद प्यारा सा वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें राहुल गांधी एक बच्चे को अपने साथ कार पर बिठा लेते हैं और दुलार करते हुए भी नजर आते हैं। इस दौरान राहुल बच्चे को गले लगाते हैं और उसे बहुत दुलार करते हैं। बच्चा भी राहुल के पास आकर बहुत खुश नजर आता है। राहुल के गले लगने पर वो भी राहुल को गले लगा लेता है। इसके बाद राहुल गांधी की ही तरह वो लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करता है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का 15वां दिन सिलीगुड़ी के पास खत्म हुआ। सोमवार को यात्रा बिहार में एंट्री करने से पहले नॉर्थ दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर जाएगी। बता दें, हाल ही के दिनों में बिहार में मचे सियासी हलचल के बीच राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं। रविवार 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर NDA के साथ फिर से बिहार में सरकार बना ली है। अब देखना है बिहार में न्याय यात्रा को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है।